इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीड़ी, दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। जागृति ट्रस्ट आनंदपुर में खेलने वाले बच्चों से लेकर खेती करने वाले किसानों तक सभी के लिए एक माँ की तरह है। ओल्ड एज होम, ऑर्फनेज होम, उच्च विद्या और चिकित्सा, ऐसी कई सेवाएं करती जरूरतमंदों का आसरा है ये। सबसे जरूरी बात, इस ट्रस्ट के आसपास हजारों एकड़ की भूमि पर खेती करके लगभग 15,000 किसानों के परिवार भी इस ट्रस्ट के भरोसे गुजारा कर रहे हैं। नारायण राव जी ट्रस्टी, कई पीढ़ियों से इस ट्रस्ट का सारा कार्यभार इनके परिवार द्वारा ही देखा जा रहा है। जिसे भी जरूरत होती है सब ये खुद देख लेते हैं। ऐसे न जाने कितने लोगों को खुशी बांटते हुए हजारों एकड़ में फैले इस ट्रस्ट की जमीन पर एक काली परछाई पड़ी। विक्रम सरकार, सत्ता में कोई भी सरकार हो उन्हें सर्कस करवा देता है। 5 राज्यों में ऐसा कोई बिजनेस नहीं जो इनका न हो। सरकार का प्रेजेंट टारगेट है जागृति ट्रस्ट। एक जर्मन कंपनी के साथ टाई अप करके यहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन ले ली है। इस डील में सरकार का शेयर 5,000 करोड़ है। ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन पेपर्स में छोटे से लूप होल के सहारे अपने नाम पर नकली डॉक्यूमेंट्स बना लिए। अब ट्रस्ट को पाना है तो लोगों को भरपाई देनी होगी या फिर अधिकार से छीनना होगा। सरकार ने दूसरा ऑप्शन ही प्रेफर किया। ये सब क्या है सर? एजुकेटेड हो ना, लो पढ़ लो। सर सर इसमें कुछ गड़बड़ है। इस ट्रस्ट के सहारे कई लोगों की जिंदगी चल रही है। आसपास के हजारों एकड़ जमीन के सहारे ही इन किसानों का पेट पल रहा है। इनकी जिंदगी से खिलवाड़ मत कीजिए सर। इस दुनिया में हर कोई बड़ा बनने के लिए मेहनत करता है, लेकिन मैं उसे नीचे गिरा देता हूँ। आई एम ए बैड मैन। हम कोर्ट जाएंगे। तो जाओ ना, रोका किसने? सरकार, छोड़ूंगा नहीं। शॉर्ट टाइम में सरकार ने लोगों को डर भी बोनस में दिया है। एमआरओ वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट और इन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद लीगली ये ट्रस्ट और इस ट्रस्ट से जुड़ी जायदाद भी विक्रम सरकार के पक्ष में ही जा रही है। शांत हो जाइए। कोर्ट को तुम्हारी गुहार या आंसुओं की जरूरत नहीं है, सबूत की है। ये ट्रस्ट, ये भूमि आप लोगों की है, ये बताने के लिए आप लोगों के पास कोई सबूत है क्या? है सर। 1940 में यहाँ के राजा श्री राघवराज जी ने इस ट्रस्ट को, इस जमीन को हमें डोनेशन में दिया था। इसके सबूत के तौर पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनके वारिस के पास जरूर होगा। आप हमें थोड़ा टाइम दें तो उस वारिस को और इस ट्रस्ट से जुड़े ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को हम जरूर आपको सबमिट कर देंगे। ठीक है,
एक महीने का टाइम दे रहे हैं। अगले महीने फरवरी की 5 तारीख को फिर से ये कोर्ट तुम लोगों के सामने होगी। अगर इस ट्रस्ट के वारिस और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे तो ये ट्रस्ट और इसकी सारी जायदाद आप लोगों के नाम कर दी जाएगी। कैसे भी हो तो नारायण राव, तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा मैं हूँ। दुनिया में वो वारिस कहीं भी हो, जिंदा नहीं बचेगा। तुम्हारे लालच से बड़ी हमारी आशाएं हैं। वारिस जहां कहीं भी होगा वो हमें ही मिलेगा। दी हुई तारीख को वो हमारे साथ यहीं पर। यस, अपने हीरो को कोई टच नहीं कर सकता क्योंकि उसकी स्पीड को सिग्नल भी सैल्यूट करते हैं और ऐसे सुप्रीम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। सुप्रीम हीरो का नाम है क्या? नहीं, कार का नाम है। तो फिर हीरो का नाम? बहुत कॉमन नेम, बालू। ओ, वो टाइम से 10 मिनट पहले ही एयरपोर्ट पहुंच जाता है। अरे वाह, अब इंतजार नहीं होता, हीरो को दिखाओ ना। अच्छा, प्यारी एयर होस्टेस, थोड़ा बाजी हो जाओ। Yes, he is the hero. अरे वाह, मस्त लग रहा है। गोरा चिट्टा भले ना हो लेकिन सांवला सलोने कृष्ण कर रही लग रहा है। उसी समय खूबसूरत लड़की बाहर आती है। अब हीरो हीरो को कैसे पहचानेगा? वहाँ देखो। टन 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 टन। यू आर सर्चिंग फॉर हीरो? क्या? रियली? यस। श्योर? यस। वो देखो। अरे वाह, पोज बहुत मस्त लग रहा है। प्लीज करके टाइटल भी डाल दो ना। सर, आपकी टोपी पहनते ही मैं टैक्सी ड्राइवर से डायरेक्टर बन गया सर। थैंक यू सो मच यार, मेरी कार खराब हो गई इसलिए तुम्हारे दोस्त को भेजकर हीरोइन को पिकअप करने के लिए भेजा। वो टाइम पे आ तो जाएगा ना? आ तो जाएगा, बस कभी कभी 2-3 घंटे ज्यादा लग जाते हैं। 2-3 घंटे? कहीं बाहर जाने वाला है क्या? मेरा दोस्त ड्राइविंग कर रहा हो और अगर पीछे से किसी ने हॉर्न बजा दिया डिस्टर्ब हो जाता है, तो अपने काम को साइड में रख कर हॉर्न बजाने वाले को हॉरर बना देते हैं। अरे बजाना हॉरन, पहली बार एमएलए का टिकट मिला है, नॉमिनेशन का टाइम ना निकल जाए। अगर 1 घंटे पहले निकलो तो पहुंच गए होते ना। पंडित ने क्या बोला था? मुझे क्या पता, मुहूर्त से पहले निकलोगे तो डिपॉजिट भी वापस नहीं मिलेगा बताया था। ये कौन है ऑटो वाला, इसने रोड के अपने बाप की समझ रखी है। ठोक दे, ठोक दिया। भाई आगे हमारा अपोजिशन लीडर जा रहा है तो उसे भी ठोक डालना, कॉम्पिटिशन में तो ये सब चलना ही चाहिए। बाय। अब ये टैक्सी वाला कौन है? बीच सड़क पर हॉर्न बजा, बजा। भाई वहाँ डोंट साउंड हॉर्न लिखा हुआ है। प्लीज साउंड हॉर्न तो सुना है, ये डोंट साउंड हॉर्न क्या है? भाई वहाँ नीचे कैप्शन में लिखा है, देखो। क्या है वो? इफ यू डिस्टर्ब आई विल डिस्ट्रॉय। ये टैक्सी वाला कैप्शन लिखेगा तो क्या हम लोग डर जाएंगे? हम उसे डिस्ट्रॉय करेंगे। निकल रहा है भाई? ये क्या भाई, कार के नीचे से इतना सब मशीन कहां से निकाल दिया? भाईला, ड्रिल मशीन भी फिट किया हुआ है भाई। अरे वो सामने से आ रहा है, थोड़ा पीछे कर। अरे तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं है जो हमें ठोक रहे हो? अरे सामने से ठोक रहे थे, तुम कहीं और नहीं जा सकते क्या? बेटा पैरों से फुटबॉल खेलते हैं लेकिन तू तो कार से फुटबॉल खेल रहे हो। हॉर्न मत बजाना, कोटेशन लिखा है ना तो फॉलो करना चाहिए था ना। कोटेशन है तो फेसबुक पे 1000 बार डालो, हम फॉलो करेंगे। पर रोड पे हॉर्न नहीं बजाएं तो क्या हारमोनियम बजाएंगे? लास्ट आइटम। किसने हमें डिस्टर्ब किया है तो अब हमें इसे डिस्टर्ब करना होगा। जा रहे, तोड़ दो इसकी हड्डियां।
सर से दंड बैठक लगा रहे हो? ऐसी बॉडी रखने के बाद सर नहीं तो किसे लगाऊं? मुझसे झुका नहीं जाता है भाई। होल्ड ऑन, आपके द्वारा समाज को एक मैसेज देना है। मैसेज देना है? हाँ तो बोलो ना भाई। स्टार्ट। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर TS09AP786 रोड पर जाते समय हॉर्न मत बजाइए। डोंट साउंड हॉर्न। मुंह बंद। अब क्या करूं मैं? वैसे भी ये पागल है, ऊपर से मेरी पहली फिल्म है, वो यहाँ आ गया तो बस। अरे डायरेक्टर, मेरी हीरोइन कहाँ है? अरे डायरेक्टर, मेरी हीरोइन कहाँ है? वो आ गई सर। हेलो सर, हाउ आर यू? आ गई सर। हीरो, हीरो। नमस्ते अंकल जी। तीन तो भाई, अब हीरो कौन है? सर आपसे पूछ रहा है। क्यों रे, हंसी आ रही है? गाना उसी से करवा ले। सर, 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 वो टैक्सी ड्राइवर है, डांस कैसे करेगा? अरे डायरेक्टर, वो नहीं करेगा तो मैं हंसूंगा। उसके डांस पर अगर एक भी ताली बजी तो मैं अपनी मूंछ मिटवा लूंगा, समझ गया? पसंद आ गया क्या मुझसे ज्यादा? तब तो मैं गया। जर्नी शुरू कर, लकी बैठ जा गड्डी में। इनको ग्रीन सिग्नल दे दे, मुझको तू लिफ्ट दे दे, स्टेयरिंग थाम के मुझे लेके चलना तू। रब्बा रब्बा क्या होगा रे, लक्का डेंजर रास्ता है ये, बेबी रहना तू संभल के, डेंजर सफर ये। दया 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 रोको, तूफानी रफ्तार के रोको, लव में हो ना जाए लका, वाला 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 मैं हूँ टैक्सी वाला, वाला 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 तू को चुराने वाला, वाला 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 तू है टैक्सी वाला, वाला 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 दिल को चुराने वाला।
सर मुझे निकाल दो। काम खत्म हो गया। अगले तेरी डिजाइन मुझे पसंद नहीं आई है। पापा 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 क्या हुआ पापा? बेटा ये क्या है? ब्रांडी। और वो क्या है? पेप्सी। ब्रांडी में कोई सोडा मिलाने के बजाय पेप्सी मिलाता है क्या? इसलिए मारना पड़ा। ऐसे सर फुड़वाने से तो अच्छा था कि वो सोडा मिला दिया होता। कल सोडा मिलाया था तो हाथ में काट दिया। अरे वेंकटेश, अगर तुझे सॉरी बोलना नहीं आता है तो हमारी कला विद्या की भी तारीफ करनी चाहिए। कुछ बोलते हैं तो हम ही फंसते हैं। लेकिन इस कांटे से कोई पेंटिंग बनाता है क्या सर? कला की कोई सीमा नहीं होती, वो चाहे तिल्ली हो या साबुन हो या काटा हो। ठीक तो कहा ना, पेंटिंग करना आर्ट ही तो है। रोड पर या बोर्ड पर बनाओ तो आर्ट कहते हैं, लेकिन पीच पर इस तरह से कांटे से चीर कर निशान बनाना उसे आर्ट नहीं कहते। देखो ये क्या बनाया है? मैं तो बंदर बनाना चाहता था लेकिन वो सुअर बन गया। सुअर? फिर पूछ कहाँ है? है है ना। हमसे कोई इज्जत ही नहीं है सर। बिल कौन भरेगा? कितना? 5,000। ए वो 10,000 है। परसों के दारू की कौन देगा? अरे पापा सीधे बैठिए ना प्लीज। पापा बालू, महीना आते ही कार की ईएमआई नहीं भरी जा रही है लेकिन इनके पीने में सारी की सारी कमाई खर्च हो जाती है। अरे राजेश, तुम्हारे हाथ में जो बर्तन है उसको दो जरा। अरे तो हमारी फैमिली का चरित्र चित्रण जाने बिना बकवास कर रहा है। ओए आफ्टर वन ईयर ही विल बी किंग। अंकल ये डायलॉग तो कहीं सुना सा लग रहा है। बस वही मत पूछ। तकिया। हाँ ये रहा। चादर। उठा दी। पैसे ये लीजिए, रख दिए हैं। ओए ऐसे चलना तो मुश्किल होगा। अच्छा होगा इन्हें गांव जाके छोड़ा, समझ जाएंगे। वो बनकर भले ये पिए मारे जो कुछ भी करे, है तो मेरे पापा। He is my hero। हाँ? तेरा तो भगवान ही मालिक है। बालू पकड़ो, अक्सर कृष्ण के पीछे कौन भागता है? तो फिर ये जेंट्स क्यों भाग रहे हैं? रुक जा, ये बाल कृष्ण मुझे चोर लग रहा है। पकड़ ले क्या? रुक छोड़ना मत। भाग गया वो। कहाँ गया? तूने देखा क्या? वो लड़का तो गायब ही हो गया, कहीं वो भगवान तो नहीं था? कृष्णा माखन चोर, ऐसा क्या किया तुमने जो सारे लोग तुम्हारे पीछे पड़े? 10 रुपीज। भला मैं तुम्हें 10 रुपीज क्यों दूं? तुमने मेरी स्टोरी पूछी ना, मुझे मेरा टाइम वेस्ट करके सुनाना पड़ेगा ना। लड़का इंटरेस्टिंग है, 10 रुपए दे दे बालू। ओके। कृष्णा का गेटअप पहनूंगा तो 10 रुपए देने का वादा किया था तो मैंने हाँ कर दिया। मुझे ये सब पहना के कृष्णा बनाया। हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ट्रिक भी सिखाई। क्या ट्रिक सिखाई? ओपन योर माउथ। मेरी मनोकामना पूरी करो। कृष्णा तो ब्लैक थे, इतनी भी कॉमन सेंस नहीं थी। लोगों में सब आके पैसे कहने देने लगे। देखा जाए तो चीटिंग है ना, तो मैंने सच बता दिया। मुझे बीट करने के लिए पीछे पड़े थे। अगर सच नहीं बोलते तो तुम्हें 10 रुपए मिल गए होते ना। मेरे राज्य में प्रजा परेशानी में हो तो मैं देख नहीं सकता। हे राजन, तुम किस राज्य के राजा हो बताओ? प्रेजेंट इंडिया, फ्यूचर आई डोंट नो। ओए, तुम्हारी हिंदी अजीब सी क्यों है? I'm an Anglo-Indian. ये बच्चा कौन है पता नहीं लेकिन है बड़ा शार्प। ये कहाँ से इम्पोर्ट हुआ है? Excuse me, मेरा नाम मीका है, समाज सेवा पार्टी से। लोगों में मैं अपनी बातों से चेतना जगा रहा। मुझे 20 मिनट में पार्टी ऑफिस पहुंचना है। छोड़ोगे क्या? मैं चलूंगा। सॉरी, मैं शनिवार के दिन काले लोगों से नहीं मिलता। पर मेरी कार तो वाइट है ना। लेकिन आदमी तो काला है। यहाँ से वसूल करो। आप लोग सुन लो, मार्केट 10 लाख में खरीदा है मैंने। आज से मैं जो किराया तय करूंगा वही भरना होगा, समझे?
यहाँ पर किसी को हीरोइज्म दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं ऐसा ही साहब, थाने जाने के बजाय डायरेक्ट यहीं आकर चार्ज लेने वाली हैं। उनके एंट्री करने से पहले तुम सब यहाँ से एग्जिट नहीं किए तो ना एक एक की हड्डी टूट जाएगी। 3, 2, 1 और ये श्रीदेवी आई। बज गया। ए, इतनी जोर से बजाएगा ना, ए पुलिस वाली है, गुस्सा आया तो अंदर कर देगी। ये देखो बच्चों। बच्चे, तुम लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। एक जंगल में एक बड़ी झील हुआ करती थी। वहाँ प्यासे 10 हिरन आए और एक भूखा शेर भी आया। हे, 4 हिरन तो भाग निकले और 6 हिरन उसके शिकार बन गए। भागोगे या शिकार बनोगे? मैं शिकार बनूंगा। मैं शिकार बनूंगा। श्रीदेवी, खंबा किसने हिलाने बोला? पहला पंच भगवान के नाम, बाकी लोग मेरे अकाउंट में आ जाओ। ब्रूस ली, जैकी चैन, श्रीदेवी मैं भी शिकार होना चाहता हूँ। श्रीदेवी स्टाइल क्या मार रही है? मुझे तो डाउट हो रहा है। सुनो सोडा ला। जी जी। हाँ, तुम लोग डरो मत, अब जहाँ भी अन्याय होगा वहाँ मैं मिलूंगी। अरे वाह, अन्याय का अंत करने तुम आ गई, तुम्हारे पिता महान है। पापा, पापा गुंडे बदमाश ने। अरे बाबे, अरे चुप रहो, अरे रुको, मैं बात कर रहा हूँ ना, डील फाइनल तो होने दो। श्रीदेवी, तुम्हें एसआई बनाने के लिए मैंने इन्हें 10 लाख में मार्केट भेज दिया था। तुमसे कहा कि थाने जाकर साइन करके आ जाओ, लेकिन मार्केट जाकर सारा प्लान चौपट कर दिया। ये तुम्हें तो मार नहीं सकता, इसलिए मुझे मार रहा है, भड़ास निकाल रहा है अपनी। यही बात तो बता दे कि मैंने कोशिश भी की थी। श्रीदेवी, श्रीदेवी कहा था ना? ओह, तो इसके एक्सप्रेशन का मीनिंग वो है। जानकी, बहुत सारी बातें करनी है, आप लोग जा सकते हैं। पापा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मैं जनता की सेवा करके सरकार से मेडल लूंगी। मेडल की बात की ना तो मार डालूंगा। भूल गए एसआई की पोस्ट कैसे मिली? रनिंग में फेल। अरे रुको भी, घर में मिठाई ज्यादा खाती हूँ ना। लॉन्ग जंप में फेल। अरे बापरे, ये इतना ऊंचा क्यों है? ये भगवान। निशाने में भी फेल। टेक पोजीशन, फायर। बोर्ड कहा था, फायर कहा किया तुमने? सॉरी सर। इतना फेल होने के बाद भी एसआई की पोस्ट किसने दी इसे? जानकी, मेरी पत्नी, इसकी माँ। मैंने अपने 20 तोला सोना बेच दिया। बोल्ड त्यागम, मेरी भाभी, मेरे भैया, 24 घंटे बस कॉफी पीते हैं। इसके लिए मैंने अपने पति का घर भी बेच दिया। हाउस त्यागम, इसके लिए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। मेरी नौकरी भी गई। जॉब त्यागम, इतने सारे त्याग करने के बाद हमारी फैमिली ने कुल मिलाकर 25 लाख दिए हैं, तब तुम्हें ये एसआई की पोस्ट मिली है। इतनी बैड हिस्ट्री रखकर मार्केट में इतनी बड़ी फाइट कैसे कर ली सर? अच्छा, तो वो फाइट इसने की? ओए, मुझे फाइटिंग नहीं आती, चुपचाप से मार खा लो वरना उल्टे सीधे केस लगाकर अंदर कर दूंगी। अच्छा, तो जंगल में मंगल। ये मिडिल क्लास की जिंदगी हम नहीं जी सकते, हमारे त्यागों का हमें फल मिलना चाहिए।
मैं हर महीने आपको अपनी सैलरी ला के दूंगी। सैलरी दोगी तुम? वो इसी में खत्म हो जाएगी, टैंकर भर दूध आता है। तो मैं ओवर टाइम कर लूंगी ना। तो तू कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी? नहीं करूंगी। जानकी एक चाकू ले आओ। जानकी ए, तेरे लिए हमने हमारी बलि चढ़ाना चाहती है। ये सीन का कंटेंट भी नहीं समझता। अभी नाटक बंद करो सर, आपको 25 लाख चाहिए ना? 5 लाख ज्यादा लगा दिया आपने। मारा क्यों? कम लगाए, 10 लगाकर राउंड फिगर। ओके, टोटल 40 लाख। बस एक स्कैम करवाऊंगा, आपको मंजूर है ना? बिल्कुल नहीं है। आप साइड में चलो मैडम, जरा जिद मत करो मैडम। बस एक स्कैम और करना होगा, उसके बाद आप मेडल के रूट की तरफ जा सकते हो, अपना फ्यूचर भी ठीक रहेगा। अपना फ्यूचर कौन सा? आपका फ्यूचर अच्छा रहेगा। ठीक है पापा। बोल बेटी। एक मतलब एक ही स्कैम। जानकी, ये हमारी हमारी ही बेटी है। गुड शॉट। कमांडर ने जा सकते हो, उससे बात करनी है। उन्हें बस एक बात करनी है। आने दो। क्या हुआ? गांव के सारे भिखारी आज यहाँ। What's the matter? ट्रस्ट और खेत सील हो जाने की वजह से फसलें भी खेत में रह गई हैं। चार दिन के बाद इनकी बेटी की शादी है, अगर आप दया करें तो। तुम लोगों की प्रॉब्लम्स के दो सोल्यूशन है। नंबर वन, कोर्ट जाकर केस विथड्रॉ करके जायदाद मुझे दे दो। नंबर टू, अपने गांव की चौपाल पर फांसी लगाकर मर जाओ। आई थिंक सेकेंड ऑप्शन इज बेटर। वो नारायण राव तुम्हारे लिए कुछ करेगा ये सोच रहे हो क्या? वो वारिस जहां भी होगा मैं उसे ढूंढ कर मारूंगा। उसका शिकार करने के लिए शिकारी भेज चुका हूं। अबे छाता लेके नहीं आया? वेदर रिपोर्ट में बारिश नहीं आएगी बोले। इधर आओ, बैठ जाओ। जॉनी, बारिश को पकड़कर डॉक्यूमेंट्स हम विक्रम सरकार को दे देंगे तो हम लोगों को मिलेगा 100 करोड़। 100 करोड़ का मतलब एक स्टेट का सीएम बन सकता हूँ। मेरी जरूरत की चीजें नहीं लेकर चलोगे तो अच्छी। बीमार होकर भर्ती हो जाऊंगा तो पास बैठकर संतरे का जूस निकालोगे क्या? ओए, हमारा तो ये चलता ही रहेगा, तुम लोग जाकर उसको लेकर आओ। आबा, मैं बात कर रहा हूँ ना, तो तू फटे में लात क्यों डाल रहा है? लेकर आओ। बारिश कहाँ है? मुझे नहीं पता। शिवम, प्रणाम पंडित। हाँ भीकू भाई, आज शीतला माता के मंदिर में तुम्हारी सेहत के लिए पूजा करवा रहा हूँ। मुझे नौकरी दोगे ना तो खुश रहोगे। थैंक यू। एक पंडित है, मैंने उसे नौकरी का लालच दिया है, देश भर में मेरे लिए पूजा कर रहा है। बताता हूँ, मैं बताता हूँ। देखा बाबू, पूजा का फल। वो कहाँ है? हैदराबाद, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। कहाँ हो बेटा? कॉन्स्टेबल्स, हाई टेंशन इन हैदराबाद सिटी। यू गो टू हाई टेक सिटी, यू गो टू ओल्ड सिटी। सर, तो क्या होता है मैडम ने कि जब टाइम पे मॉर्निंग सर आ जाते हैं तो बालू आईपीएस ऑन ड्यूटी। सर, क्यों भाई किशोर? सर, शहर वहां पर चल रहा है और तुम एसआई के साथ लगे पड़े हो। सॉरी सर, सॉरी मैडम। यू आर द टीम ऑफ द लीडर ऑफ द कैप्टन एक्सेप्ट श्रीदेवी। टेक द होल टीम एंड गेट लॉस्ट। होल टीम एंड गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट। होल्ड ऑन सर, क्लोज द डोर एंड गेट लॉस्ट। डेफिनेटली सर। सर, ऑर्डर दीजिए सर, मैं कहां जाऊं? मैं तुम्हारे लिए आया हूं तो तुम कहां जाओगी? बैठो। यस सर। क्या श्रीदेवी, तो क्या चल रहा है? नथिंग सर। थोड़ा करीब आ जाओ ना, घर में मम्मी पापा रिश्ता देख रहे होंगे ना? ऐसा तो कुछ भी नहीं है सर। अच्छा, थोड़ा और करीब आओ ना। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? जनता की सेवा करके सरकार से एक मेडल लेना है सर। अरे बाप रे, मेडल? हाँ। थोड़ा और नजदीक आओ, अपना हाथ तो दिखाओ मुझे। तुम्हें मेडल मिलेगा, पति मिलेगा। मैं बताता हूँ ना,
रेखाएं इतनी मुलायम कैसे हैं? कौन सा साबुन? वाह, क्लोज योर आईज। सर सर, पिटी में कोई हंगामा नहीं हो रहा सर। क्या बोला? ओ येलो बोर्ड, मतलब टैक्सी। सीएम ने हमें इनोवा दिया, कमिश्नर को कैब क्यों दिया? समथिंग इज फिशी, लेट्स गो। कौन है वहां पर? कौन है? कौन है? किशोर, मेरे बताए ऑपरेशन को छोड़कर बीच रास्ते से लौट आए तुम? पूरा डिपार्टमेंट देखो खल्लास, मेरे बात करने से पहले चले आए। यू ऑल आर इनएफिशिएंट, इनसफिशिएंट, इनडेफिशिएंट, इन ऑर्बिट मॉल अकॉर्डिंग टू आईपीएस सेक्शन। वैसे मणिनगर से एयरपोर्ट का कितना लेते हो भैया? वैसे तो 450 लेते हैं, मेरी सुप्रीम कैब है इसलिए 550। टोल टैक्स अलग से ना? और नहीं तो क्या। तीन दहाड़े पुलिस स्टेशन में कैब पर साइन लगाकर हमारे एसआई मैडम से सेल्फी ले रहे हो? जरूरत नहीं है तेरी तो। कल मैडम को मार्केट में देखा तो लव एट फर्स्ट फाइट हो गया। अरे बापरे बापरे बापरे, स्पोर्ट्स कार की तरह क्या लगती है ना। हाँ है तो भाई, अगर मैं कहता मैं कैब ड्राइवर हूँ, तुम्हारी मैडम से प्यार करता हूँ तो अंदर आने दे? जरूरत नहीं है, निकल। नहीं ना, इसीलिए यूनिफॉर्म पहनकर मैंने लव प्रपोज किया, मैटर कन्वेड। श्रीदेवी को भी थोड़ा सोचने दो। सुनो भाइयों, अपनी शादी पर तुम सभी के कपड़े सिलवाऊंगा। हाँ, मैं छोटा सा हूँ ना, मेरी शर्ट साइज 38 है और इनकी। क्लोज द डोर। कराटे मैडम, अभी सिनेमैटिक फाइट की क्या जरूरत है? मैंने अब फैसला कर लिया है, जरूरत आउट। पकड़ रे बाबा। अच्छा अच्छा, वो वो वो। या भाई, ये फाइट है, मसाज है। ये फाइट नहीं, मसाज ही है। अच्छा अच्छा, बॉडी सो स्मूथ, वाओ। अब तो गया। मैडम भी गई अब काम से। मैं देखा। अंदर क्या हो रहा है राघव? और क्या होगा, फाइट की। किशोर भाई, सेल्फी से हो जाता था, लेकिन क्या फाइट प्लान की है ना। एंजॉय बाय सेल्फ। अंदर आ। अभी आया श्रीदेवी। जुगाड़ बोल बे, आपके पास में जो खड़ी है उसके साथ मेरी भी एक फाइट करवा दो ना। ज्यादा बोलो, जान से मार दूंगा। इसको रोकना रे, चार्ज पकड़ो, पकड़ रे, पकड़ पकड़। श्रीदेवी श्रीदेवी, बता दो ना मैडम, आप बता दो, छोड़ दो ना श्रीदेवी। श्रीदेवी मैडम, चांस चाहिए श्रीदेवी। मैडम फाइट है, फाइट है मैडम। ये मैंने पहले ही बोला था, सिनेमैटिक फाइट की जरूरत क्या है, लेकिन आपने बात नहीं मानी। वो कुछ उल्टा सीधा कर जाता तो हु इज रिस्पांसिबल, हु इज रिस्पांसिबल। मैंने सोचा था उसे बहुत मारूंगी, लेकिन वो थाई मसाज कर गया। जो हो गया सो हो गया, दोबारा कभी ऐसी मसाज फाइट नहीं करूंगी, मुझसे वादा करो। वादा? ये बेकार का वादा नहीं चाहिए, मुझे कटप्पा वाला वादा चाहिए। चरण मेरे सर पर है, लेकिन ये दर्द मेरे सीने में है। उस टैक्सी वाले भल्ला लाल देवा को तो मैं देख लूंगा। क्या कहा? स्टेशन जाकर प्रपोज किया ऐसा ही को? ओए, पुलिस वाली से पंगा लेगा तो अंदर डाल देगी। यू आर अंडर अरेस्ट, कार में स्मगलिंग करते। आपका और एक मेरा। बोलो। बहस बाद में करना, मुद्दे की बात करो, मेरे ड्यूटी का टाइम हो रहा है। तुम्हारी कार में स्मगलिंग गुड्स, ऐसा मैं व्हाट्सएप मैसेज आया है। होल्ड इन, मेरी कार में स्मगलिंग? वो देखो मेरी कार वहाँ खड़ी है, जाकर चेक कर लो। सर रिसर्च, हाथी के दांत, एलिफेंट टीथ, शेर की खाल, टाइगर स्किन, चंदन की लकड़ी, सैंडलवुड, गिरप्पन, विमेन ट्रैफिकिंग। कमान कमान, तीन ही लोग तो आते हैं टैक्सी में, उसमें पांच लोग कैसे आ गए? ये कैसा लॉजिक है? लॉजिक चाहिए। हाँ। इसका नाम भी एफआईआर में लिख। चल रे, ए चुप करो रे। देखो श्रीदेवी, दोनों के बीच अरेस्ट किस लिए? हम दोनों फाइट कर लेते हैं ना। मैडम मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मसाज फाइट नहीं चाहिए। पवाले बाजू को एक बार फिर से याद कर लीजिए। अरेस्ट हिम। ए चल रे, किशोर कौन है? राजन कौन है रे? छोटा चेतन। यू ऑल आर चीटिंग पुलिस, आप लोगों ने खुद ट्रक में से कार में डंप किया, मैंने देखा। हमें सबूत मिल गया। एक बच्चे की गवाही नहीं चलती। आई हैव वीडियो फुटेज। अगर ये फुटेज कंट्रोल रूम ने देख लिया तो मैडम? इस नेगेटिव फुटेज को पॉजिटिव में बदलना होगा। थैंक्स यार, सही समय पर आकर हेल्प की। मेरे राज्य में जनता को कोई भी दुख हो तो मैं चुप नहीं बैठ सकता। हे राजन, इस टाइम पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दैट्स माय हाउस, दैट्स माय हॉल, दैट्स माय बेडरूम, माय रूममेट, बालकनी। Where is your kitchen? That's my kitchen.
तो फिर खाना कहाँ खाते हो? काम मिलता है तो उस टाइम खा लेता हूँ। नो वर्क नो फूड। ठीक है चलो खाना खिलाता हूँ। सॉरी। ठीक है काम भी दूंगा चलो। देन ओके। बाय फ्रेंड। बाय बेटा। एडवांस 10 रुपीस। ओके चलो कुछ खाते हैं। इडली सर। अरे हाँ राजन तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? ऐसे दया से मत देखो। आई हेट इट। आई एम ओके। वन मोर कंडीशन, मुझे बोर लगा तो मैं चला जाऊंगा। अरे राजन। अरे बाप रे 11 बज गए यार। वो तुम्हारे पापा। पापा इसका पेट मुझे बहुत अच्छा और विशाल लग रहा है। बहुत लिबर्टी लेकर एक टैंक बैंड और दूसरी तरफ मूर्ति और बीच में बुद्ध को खड़ा करूंगा। तो बुद्ध के नाम से मुझे याद आया, क्यों ना नई राजधानी अमरावती बना डालूंगा। अरे अब क्या हुआ? अरे आज मैं अपनी कंपनी के लिए अपने साले को ले आया। चकले, एक बूंद दारू ना पीने वाले इस गधे को यहाँ लेकर आयो। ऊपर से वेटर आकर क्या चाहिए पूछता है। फेस लाइम छोड़ा। चलिए पापा। हे भगवान, अभी ये सोशल सर्विस मुझसे नहीं देखी जाती। अरे राजेश। हाँ? अपने पीछे का घड़ा तो उठा कर देना। नहीं नहीं नहीं। फैमिली मैटर में। कौन है? राजन है मेरा दोस्त, अब से हमारे साथ ही रहेगा। रहने दो। अपनी फैमिली का ऐतिहासिक चरित्र गाथा है, हमने कितनी जिंदगियों को पाला। आखिर ये तो आखिर एक बच्चा है। रहने दो। खा लीजिए ना। नहीं जाइए। बस ओके। नहीं खाना मुझे। पॉकेट मनी। चलो सो जाते हैं। बालू। हाँ। Who is he? My father. अब वो ऐसे क्यों हो गए हैं? 5 साल का था तब से मेरे पापा मेरे हीरो हैं। बहुत जायदाद थी हमारी। अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। माँ की मदद करने के लिए पापा 24 घंटे हमारे साथ रहते थे और उसी का फायदा उठाकर भरोसे के लोगों ने ही पापा को धोखा दे दिया। आंखों के सामने माँ और जायदाद को खोता हुआ देखकर पापा को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। 20 साल से बस ऐसे ही है। लाइफ में एक बार तो पापा को हीरो की तरह देखना ही है, लेकिन मुश्किल है। चलो सो जाते हैं। कार की चोरी, वैलेट पार्किंग के नाम पर क्रेजी तरीके से कार की चोरी करने वाले खिलाड़ी चोर। Let's start the work. Yeah. Wallet parking. गोविंदा, गोविंदा। ए, मेरी कार। हाँ, मैं बात करूँ सर। मैं कहा था, ये एटीएम पे वैलेट पार्किंग कैसे? ए, मेरी गाड़ी है, मेरी कार। राघव कमिश्नर साहब आ रहे हैं, सब रेडी है ना? सब रेडी है सर। फटाफट कर तू। नहीं पापा, मैं नहीं सुनूंगा। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए ना। मैं जरूर कुछ करूंगी। मैडम, आप किससे बात कर रही हैं? घर में मेरे पापा सैड फेस दिखा के मजबूर कर रहे हैं। जहाँ भी जाऊँ वही दिखाई देते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, कुछ ना कुछ कर लेंगे। सल्यूट पे कमी नहीं है और चैनल्स वाले जिन्हें हराम कर रहे हैं वो वैलेट पार्किंग वाले को कब पकड़ोगे? मेरी कार भी चोरी होने तक देखते रहोगे, है ना? 3200 लोग हैं मेरे पीछे, लेकिन किसी काम के। सर आपकी कार वो ले जा रहा है। वो लेकर नहीं जा रहे, चोरी करके जा रहे। ए, अरे बहुत महंगी कार है, अरे पकड़ो जल्दी उसे। अरे पकड़ो। देने। Come on, go, go, go. Catch them. I won't drop the catch, madam. Tom, the cops are coming. Cruise, they can't catch us. Cruise, this is ancient technology. Needle pulse. Wow, amazing. Zing, zing, throw it. इस कार से अच्छी तो उन लोगों की गाड़ी है। अब उस कार का कैसे पीछा करें? पहले कार रोकनी पड़ेगी। लेफ्ट 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 लेफ्ट। श्रीदेवी। अरे बाप रे, इससे तो बचना ही अच्छा होगा मैडम। चलिए श्रीदेवी। उधर देखिए मैडम, श्रीदेवी देखने का। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। क्या श्रीदेवी,
लिफ्ट मांगकर भी मेरी कार में नहीं बैठते। तुम्हारी कार में नहीं बैठेंगे। ये देखो हम दोनों ड्यूटी पर हैं। पर्सनल छोड़ दो, प्रोफेशनल रहेंगे। जल्दी चलो, उन्हें जाए 15 मिनट्स हो चुके हैं। 15 मिनट्स को 15 सेकंड्स में कवर करूंगा। They are following the taxi. Ooh, it's just a taxi. You are amazing. Zing, zing. अरे turning, turning, turning. अरे फिर से turning, फिर से. तुझे क्या turning दिख रहा है? Turning पे हम भी तो turn होंगे ना? Turning, turning करके हाथ साफ कर रहा है. तू क्या video game खेल रहा है? चुप रे. चुप रे. अरे श्रीदेवी जी, खाली बैठने से अच्छा उनके टायरों को उड़ाओ ना. Shoot, 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 shoot. अरे सत्यानाश हो तेरा। टॉम, शी इज फायरिंग। रूज, ऑल मिस फायरिंग। यू कांट फायरिंग। जिंग जिंग। या या। क्यों भाई किशोर, टायर पर निशाना मारो तो कहीं और ही मार रही है। कहीं इसके आंखों में कोई खोट तो नहीं है ना? अब तक दी परफॉर्मेंस काफी है, रिकमेंडेशन लिख हो जाएगी, अंदर चलिए। इस बार मेयर बन जाऊंगा। एक घंटा पहले निकले हैं, आराम से पहुंचेंगे। बस हॉर्न मत बजाना। नहीं बजाऊंगा भाई। वैसे हम इस रूट से क्यों जा रहे हैं? इस रूट पर वो टैक्सी वाला नहीं मिलेगा ना, तुम सीट बेल्ट पहन लो। अरे आप चुप रहो भाई, हम अपने हैदराबाद में सीट बेल्ट क्यों लगाएं? भाई लगा लेना, किसी का क्या। अरे मैं नहीं लगाऊंगा भाई। भाई वो डोंट साउंड हॉर्न वाला। गाड़ी रोक, वो गाड़ी जब तक नहीं निकल जाती तब तक यहीं पर रुके रहो। ओके भाई। वो जा रहा है। हाँ भाई। वो जा रहा है। हाँ भाई। वो सामान बाहर निकल आए ना। हाँ भाई। तो फिर लग गई। सीट बेल्ट लगाने में तुझे क्या तकलीफ हो रही थी? अपने हैदराबाद में कौन बेल्ट लगाता है? अपना हैदराबाद, अपना हैदराबाद। मारो मारो। तुझे क्या, सरकार ने लिख करके दे दिया है? टॉम, stop the car. I have an idea. Okay, take your time. He's amazing. Zing zing. Dead end. The end. Amazing. Zing zing. We saw your firing. All misfiring. Taxi bro. We love your skill. Thanks. इस टॉम क्रूज से पंगा लोगे तो हमें पकड़ना मिशन इम्पॉसिबल। अमेजिंग। जिंग जिंग। लोगों बकवास बंद करो, तुम जाओ यहाँ से। मैंने रिस्क बहुत ली थी, मुझे पैसे दो। ये हजार रुपए रखो और निकलो। हजार? भैया 3000 दो तो मैं तुम्हें बचाता हूँ। हम 30 लाख देंगे। बाप रे। और मेरे 10 रुपीज। भगाने के लिए 30 लाख? तुम इस रिंग को रख लो और तुम जाओ यहाँ से। मेरे साथ आइए। एक मिनट। हाँ मैडम, हम जिसे ढूंढ रहे थे वो खुद हमारे पास आके सेट कर दूं क्या? कमिश्नर की कार है, प्रॉब्लम होगी तो? वो देखिए बुला रहे हैं हमको। तुम अब भी नहीं बदलोगी? मतलब तुम पैसे लोगे ही नहीं? नो नो नो, ओके ओके सेट कर दो। आपकी चोरी की हुई कार के बीच मैडम ना आए इसलिए आपको 50 लाख देना होगा। ए किशोर, हमें तो 40 चाहिए था ना। वो हमारे लिए मैडम। एथिक्स नहीं है क्या किशोर? आपके 40 एथिक्स क्या मैडम? ये डिस्कशन कैसा? फर्स्ट टाइम है क्या? फैंसी ऑफर 75 देंगे, पार्टी अरेंज करो। इट्स अमेजिंग। जिंग जिंग। ये इमोशंस भी फॉलो नहीं करता क्या? जानकी स्वीट ले लो जानकी। बेटी श्रीदेवी, अपने सपनों को भूलकर अपनी फैमिली के लिए जो तुमने ये त्याग किया है वो इतिहास बनेगा। मेरी भाभी माँ, तुम बेटी से कुछ कहना चाहती हो ना, बोल दो। अब तुम कूद गई हो तो सोचो मत। ऐसे 6 महीनों तक कंटिन्यू करोगी तो हमारी फैमिली वर्ल्ड टूर पे जरूर जाएगी। शांत हो जाओ। आपने एक स्कैम करने को कहा, वो मैंने किया। अब जब तक मैं मेडल नहीं पा लेती तब तक मैं कुछ नहीं करूँगी। श्रीदेवी, पहले घर के बड़े बात करेंगे। हमारा लड़का आपकी लड़की से प्यार करता है, ये फ्रूट्स लेके मैरिज डेट फिक्स कर दीजिए। ए जाएगा या एनकाउंटर करूं मैं? बस करो,
ए, दो शगुन की थाली ए, ले लो आकर। देवे सरकार करते क्या है? हम हैं कैब ड्राइवर। तो तुम गरीबी रेखा से नीचे हो, वो क्या है कि हम जरा ऊपर आ गए हैं। तुम अपनी रेंज का रिश्ता ढूंढो। इसके मुंह मत लगो आप। बस करो, ऑन करो टीवी, लगाओ पेन ड्राइव। ओके ओके सेट कर दो। आपकी चोरी की हुई कार के बीच मैडम ना है, इसलिए आपको 50 लाख देना होगा। अद्भुत विजुअल्स इस बच्चे की देन है। बालो, तुम समझ गए ना? तू तो गया। ये पेन ड्राइव एज इट इज कमिश्नर के हाथों में चला गया तो स्कैम डिजाइन करने वाला किशोर जेल में, उसकी बात सुनी इसलिए श्रीदेवी की नौकरी जाएगी और वो घर पर। इस स्कैम से जुड़ी तुम्हारी पूरी फैमिली एज इट इज गरीबी रेखा में गिरकर मतलब मेरे पास आओगे। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तो इस पेन ड्राइव को बस करो, दे दो शगुन, पहनाओ मंगलसूत्र। पापा तुम चुप रहो, अपनी फैमिली के लिए दूसरे त्याग का समय आ गया है बेटी। सारे त्याग मैं ही करूं क्या? जरूरत नहीं है मैडम। होल्ड इन, ये डिस्कशन का टाइम नहीं है, डिसीजन लेने का टाइम है। मैंने कमिश्नर को पहले ही बुला लिया है। हम फंस चुके हैं, बेटी मान गई है ऐसा झूठ बोलते हैं और एक हफ्ते का टाइम लेते हैं। सुनो बेटा, लड़की मान गई है, बस एक हफ्ते का टाइम दो, हम कुछ करते हैं। यहाँ बालू कौन है? सर मैं हूँ सर। मेरी कार किसने चोरी की, उसकी किडनैपिंग किसने की, इसके पीछे किसका हाथ है? सर मैडम को सारी डिटेल बता दी है मैंने, एक हफ्ते में पकड़ लेंगी कहा। सॉरी सर, पार्टी में थोड़ा लेट आए हम। ये लोग चोर नहीं है सर, हमारे रिश्तेदार है। आपसे किसने पूछा? मैं लगा पूछे। चुप रहिए। फिर से दो कारों की चोरी, एक कार ऑडी, दूसरी स्कोडा। लोग बाहर अपनी कार पार्क करने में डर रहे हैं। इतनी सफाई से कैसे चोरी करते हैं? इट्स प्योरली एन आर्ट। ऐसा आर्ट क्या पता बेटी श्रीदेवी। उस कार में मेरी पत्नी का 10 तोले का हार है। कहाँ पर है? सीट कवर में। फ्रंट या बैक? बैक में। तुम कैसे भी करके? सीट के नीचे। मैट के नीचे। डिक्की में। वहाँ तो कुछ भी नहीं है ना। ओके, कैरी ऑन, अब हम चलते हैं। चलो। थैंक यू। तुम कुछ भी करो, इस टैक्सी वाले के साथ उसके करीब जाकर उन चोरों को पकड़ लो। आप परेशान मत होइए सर, मैं बहुत करीब से फॉलो करूंगा। अब तो मैं तेरा साथ जिंदगी भर के लिए छोड़ने वाला नहीं हूँ। तू है मेरी श्रीदेवी। आई लव यू श्रीदेवी। गिफ्ट दिल का भाव क्यों खाए, बेबी रख माइंड गोल इतना ताव क्यों खाए। अरे दे दे गिफ्ट दिल का भाव क्यों खाए, बेबी रख माइंड गोल इतना ताव क्यों खाए। ए कर ले तू सेटिंग दिलों की मीटिंग, कनेक्शन लाइफ का मुझसे जोड़ ले। लव की ये फीलिंग कर ले तू डार्लिंग, छोटा है गुस्सा तेरा अब तू छोड़ दे। ओ मेरी श्रीदेवी, दिल दे दे श्रीदेवी, कर प्यार श्रीदेवी, आंख चार श्रीदेवी, हाँ कर दे श्रीदेवी, मेरी बन जा श्रीदेवी, श्रीदेवी। रिक्वेस्ट मेरी ये तुम मान लो, पहला प्यार ड्रॉप न कर तू, मैं हूँ आशिक सच्चा तेरा। सुनिए ये कोरा कोरा रंग तेरा भा गया मुझको, पागल कर मुझको अदाएं तेरी, मैं हो गया हूँ तेरा क्या तुझको खबर है। मान भी जा क्यों नखरे दिखाए, तू ही मेरी चॉइस है, तू ही मेरी वॉइस है, तेरी अदा पे मैं तो मर गया रे। आज हो तू ही मेरा कल हो, चार दिशाओं में बस तू ही हो। ओ मेरी श्रीदेवी, दिल दे दे श्रीदेवी, कर प्यार श्रीदेवी, आंख चार श्रीदेवी, हाँ कर दे श्रीदेवी, मेरी बन जा श्रीदेवी, श्रीदेवी।
हाँ तू कह दे, देखना ऐसे मुझे गुस्से से, आंखें तेरी लॉकअप जैसी, दिल बेचारा कैद हुआ रे। सुनिए, ये गोरा गोरा रंग तेरा भाग गया मुझको, पागल कर मुझको अदाएं तेरी, मैं हो गया हूँ तेरा क्या तुझको खबर है, मान भी जा क्यों नखरे दिखाए, तू ही मेरी चॉइस है, तू ही मेरी वॉइस है, तेरी अदा पे मैं तो मर गया रे, तू ही मेरा आज हो, तू ही मेरा कल हो, चारों दिशाओं में बस तू ही हो, ओ मेरी श्रीदेवी, दिल दे दे श्रीदेवी, कर प्यार श्रीदेवी, आंख चार श्रीदेवी, हाँ कर दे श्रीदेवी, मेरी बन जा श्रीदेवी, श्रीदेवी। का कैप्टन हम है, तू नहीं, मुंह तोड़ देंगे। हाँ बैठा, हम लोग बिहार से हैं, हैदराबाद से कोई लिंक नहीं, हमको जो चाहिए वो डिटेल्स मिल गई। हाँ मिल गई, वैसे भी हमारा काम भाई, हमारे पास पहले शंकर का काम है। जब हम तुम्हारे बॉस से बात कर रहे हैं तो तू बीच में काहे को घुस रहा है, है? धनी, हम तो सोचे थे कि हमारे साथ ही है, लेकिन यहाँ भी बिहार जैसा ही लगता है। बाबू स्टाफ को थोड़ा कंट्रोल में रखो, हमारी एक बात कान खोल के सुन ले तू, पहले हमरा काम। विक्रम भाई, हम हैदराबाद आ चुके, चाहे पूरे शहर को क्यों ना छानना पड़े, वो मुझे जिंदा चाहिए। मालू, हाँ सर, प्लीज सर हेल्प कीजिए सर, मैडम प्लीज मैडम, मेरी बेटी के दिल में छेद है, कुछ मदद कीजिए मैडम, मैडम मुझे बेटी के दिल का ऑपरेशन करा दो मैडम। प्लीज सर थोड़ी मदद कीजिए सर। ए शर्म नहीं आती, एक बच्ची का सहारा लेकर भीख मांग रहा है, आजकल ये फैशन हो गया है। बालू, हमें कैसे भी करके इनकी हेल्प करनी होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, उस बच्ची के लिए हम लोग एक स्टंट कर रहे हैं, सो प्लीज डोंट ट्राई दिस स्टंट एट होम, मूव मूव, कम ऑन राजन। खर्चा होगा हमारी कंपनी उठाएगी, ये लो। आपकी वजह से मेरी बेटी का ऑपरेशन होगा। Thank you.
साहब प्लीज खरीद लीजिए ना, खरीद लो सर, साहब 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 एक एक खरीद लीजिए प्लीज सर, खरीद लीजिए ना। पापा आप पागल हो गए हो, मैंने शादी के लिए हाँ कब की जो उसे घर पे बुलाया है? उसे यहाँ खीर खिलाने के लिए बुलाया है, तुम्हारी शादी के लिए नहीं, ऊपर भेजना है उसे। उस खीर में मैंने जहर मिलाया है। तो उसे मार दोगे? इसमें मारना क्या है, हम क्या चाकू से मार रहे हैं या बंदूक से मार रहे हैं? खीर में जहर देकर ही तो मार रहे हैं, नॉट अ बिग डील यार। कोई केस बना तो पूरी फैमिली अंदर हो जाएगी। वो कोई कमिश्नर है क्या? मर गया तो हमारा क्या बिगड़ने वाला है? एक टैक्सी ड्राइवर है, वो कोई जिला का DM CM नहीं है। ये केस ऐसी रफा दफा हो जाएगा। ये प्लान मुझे पसंद नहीं आया। तो फिर समझ लेना, वो पेन ड्राइव अगर कमिश्नर के पास पहुंच गई तो हम दोनों जेल में और तुम्हारी फैमिली सड़क पर आ जाएगी और हाथ पे कटोरा लेके भीख मांगते दिखाई दोगे। ऐसा नहीं हो सकता, मौके की नजाकत को समझो। किशोर के इस आइडिया से ही हमारी फैमिली की रक्षा हो सकती है। ससुर जी, ससुर जी, श्री क्या हुआ? कर दो, शब्द नहीं मिल रहे क्या? ट्राई करो, मिल जाएंगे। अब तक तो श्रीदेवी को देखकर ट्याऊ 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 ट्याऊ, अब तो श्रीदेवी की पूरी फैमिली को देखकर ट्याऊ 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 ट्याऊ। चलो चलो, वो खीर इंतजार कर रही है। नहीं ससुर जी, मेरा पेट भर गया है। ओए प्लान वेस्ट हो जाएगा। कैसा प्लान? अरे वो खीर वेस्ट हो जाएगी ना। ये लो ससुर जी, मुझे ये खाना है। उसमें तो मिलाया नहीं है। क्या नहीं मिलाया? ओ, इसमें प्रेम प्यार अनुराग मिलाया है और इन चीजों को मिलाकर ये खीर श्रीदेवी ने तुम्हारे लिए बनाई है। श्रीदेवी तुमने इसमें जहर भी मिलाया हो ना तो भी मैं खा लूंगा। मरने की बहुत जल्दी तो ऐसी है। ससुर जी इतनी अच्छी न्यूज सुनाई है तो पहले आपको खाना होगा। नहीं जी, ये तो ऐसे चीखी जैसे मैं आपको जहर खिला रहा हूँ। वो क्या है ना, मुझे शुगर है, अगर मैंने खीर खाई तो जहर ही हुआ ना। समझ रहे हो? तुम खाओ खाओ, तुम किशोर जी मेरा पेट खराब है, आप खाइए ना। तुम खाओ तुम खाओ। कॉफी। सुनो जरा ये खीर उसके कप में भी डाल दो। ससुर जी क्या हुआ? वो ना मुझे श्रीदेवी के हाथों से ही खाने का मन कर रहा है। खिला दे, अरे खिला दे, आखिरी इच्छा है इसकी। आखिरी इच्छा कैसे हुई? मेरा मतलब प्यारी इच्छा है। एक मिनट, हाँ फैमिली फोटो मस्त लग रहा है, सबसे अपना इंट्रो करा लेता हूँ। हाय सासू माँ। हाय बड़ी सासू माँ। हाय। अरे अब ये इंट्रो किस लिए? एक कप खीर ही तो दी है, खीर खाने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है? रुक जाओ। इन्हें किसने बुलाया? मैंने। इस खुशी में ये शरीक नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? क्यों बेटी श्रीदेवी, कार का पता लगाने को कहा तो तुम्हें शादी की पड़ी है? हाँ? आपकी कार से हमें कोई मतलब नहीं है। उन्होंने पूछा क्या? पूछेंगे। क्यों टैक्सी बाबू, इस रिश्ते के होने की असली वजह कौन है? आपकी कार। तो फिर खीर किसे खानी चाहिए? आपको। वो कोई जिला का DM CM नहीं है, ये केस ऐसी रफा दफा हो जाएगा। दूध की खीर मुझे तो बहुत पसंद। अरे रुकिए सर, सर 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 सर, आपके लिए मांसाहारी खाना अलग से बनवा रखा है सर। लेकिन वो इस खीर से स्वादिष्ट नहीं होगा, तुम मुझे खाने क्यों नहीं दे रहे हो? सर आप प्यास के हो गए, ज्यादा मीठा खाएंगे शुगर हो जाएगी। छोड़ मुझे, मुझे तो खीर बहुत पसंद है, मुझे तो खीर खानी है। अरे बाप रे, इसे तो जहर भी शहद लग रहा है। इसके साथ हम भी मरेंगे, अब हमारा क्या होगा? किसी को शक ना हो इसलिए हमारे घर में से दो लोगों को खीर खाकर अस्पताल में एडमिट होना होगा। मैं? आइडिया तो तुम्हारा ही था ना। तो फिर दूसरा कौन? मैं क्या? इस प्लान में आप भी शामिल थे ना? क्या हुआ? ऑफिसर साहब सेफ है ना? मैं तो बच गया। अरे गधे तुझसे नहीं, कमिश्नर कैसे हैं? He is out of danger. इन्हें यहाँ लेकर कौन आ गया? हीर में जहर के मिलने की रिपोर्ट डॉक्टर ने दी है, अगर इसे एज इट इज कमिश्नर को दिखाऊंगा तो। जानकी सलाइन बॉटल तो ले आ। ओम दामादाय नमः। बेटा आज से तुम हमारे दामाद हुए। पापा। तुम चुप रहो। दामाद जी किसी भी तरह हमें इस मुसीबत से बचा लो। खीर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर, एक साथ ज्यादा खीर खा लिया जाए तो फूड पॉइजन का चांस रहता है। मैं तो बचपन से खा रहा हूँ, मुझे कभी ऐसा तो नहीं हुआ। अरे लेकिन हमने जहर नहीं मिलाया। पूछा क्या? मुझे लगा पूछेंगे। बेटी श्रीदेवी अपनी शादी के खाने में इस खीर को अवॉइड करना। इस महीने में मुहूर्त निकल जाएगा सर। अरे वाह, इस बात पे मुंह मीठा कीजिए। यह क्या ऐतिहासिक खीर है जो हाथ में लेकर घूम रही हो? डॉक्टर
विक्रम सरकार जिस फैक्ट्री को लगाना चाहते हैं उसे गवर्नमेंट की तरफ से सारी क्लियरेंस मिल चुकी है और जल्द ही ऑर्डर भी इशू करने वाले हैं। अब विक्रम सरकार को कोई नहीं रोक सकता और साथ में कोर्ट में भी यही जीतने वाले हैं। अब आप लोगों से मैं कोर्ट में मिलूंगा 5 दिनों बाद। हरी, आपके आने का इंतजार है, अब हमें हिम्मत नहीं रही, रोज रोज टूटते जा रहे हैं। अब आएंगे ना साहब? बोल बता, बता, बता। क्या से बोल दे वो कहाँ है? तेरे शाना मत बन, बाह मोड़ रहा था। हाँ। हमको जिसका तलाश है सुना है वो इस बार में आता है, वो कहाँ है? आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो इस बार में नहीं आता है, सच में। वो ना इसी नाम से यहाँ 2-3 बार आया है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ मैं। तेरी तो हम यहाँ लोकल नहीं है, तू यहाँ लोकल है, तू कैसे कंफ्यूज हो गया? कंफ्यूजन ना चाहिए हमको, कैसे भी वो चाहिए। पता नहीं आज पापा ने किस पर पेंटिंग बनाई होगी। तुम्हारे बाप नहीं आए, टीकर कहीं पड़ा होगा। नहीं आए? ए बालू, अरे सुनो, आपने एक आदमी को देखा जिनकी इतनी हाइट है? अरे सुनिए, आपने किसी बुजुर्ग को देखा है? कहाँ गए होंगे यार? शहर के सारे बाढ़ ढूंढ चुका है क्या जो इतना पसीना आ रहा है? अब से तुम्हारा पापा दारू नहीं पिएगा। हार गए तो दारू का सहारा लो, ये मेरी उम्र ने कहा। गिर गए हो तो फिर से उठो, ये उसकी उम्र ने कहा। क्या रे, वो ज्यादा ही काम कर रहा है, मेरे लड़के से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। Hey old man, I work for food. तुम्हारी तरह काम किए बिना मैं फूड नहीं खाता। तुम्हें बीपी शुगर है क्या? नहीं ना, यू आर फिजिकली फिट राइट बट मेंटली नॉट। आपका बेटा दिल पे हाथ रखकर कहता है यू आर अ रियल हीरो, वही आप यहाँ हाथ रखकर कह सकते हैं क्या कि आप हीरो हैं? You're a bad father. You're a bad father. एक रात पियो तो अतीत को भूल सकते हैं सोचा था, एक रात जागते रहो तो बेटे की जिंदगी सुधार सकते हो। अब समझ में आया मुझे। आज मेरी जिंदगी का सबसे हैप्पी दिन है। मैं अपने पापा को जैसे देखना चाहता था वैसे ही देख रहा हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरे राज्य में प्रजा को कोई भी दुख होता है ना तो मैं देख नहीं सकता। हे राजन, ₹10। अच्छा, इसके लिए भी तुझे 10 रुपीज चाहिए? चलो चलो एक सेल्फी ले, हाँ गले गले हम सब मिले, प्यार के रंग में खुशी के रंग में सबको हम रंग दे। हे करो करो सब दोस्ती रे, आज करो सब मस्ती रे, हंसी खुशी के इन लम्हों का आनंद हम सब ले। मिले जुले होली खेले, अब गुलाल से खले।
चलो हंगामा करें, हर पल का मजा आज लें, आज के दिन हम भूलेंगे सब शिकवे और गिले। हर दिन हम खुशियाँ बांटे, मस्ती खुशी में झूम भी ले, अपना पराया जो भी मिले उसे साथ में हम ले। खुशी या गम जो भी मिले सब साथ में बांट ले। स्टॉप, ये क्या सर, एटीएम पर निगरानी के लिए वॉचमैन की नौकरी मिली? आज आपको ऐसा दिखा रहे हो जैसे हमारा जिंदगी बदल दिया है। राजन, 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 अंदर तो नहीं है? नहीं है तो फिर कहां गया होगा? वो क्या है? मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं यहां से जा रहा हूं। एक बच्चे को देखा क्या आपने? मैंने नहीं देखा। नहीं देखा? हाँ, बालू। हाँ? ओ। आजा।
को ये हुआ क्या? कहीं राग है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीड़ी, दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। Just one minute. बच्चे को उठाकर हम अपने एरिया में ले आए हैं। Very good. आसपास हमारे ही लोग हैं, यहाँ कोई नहीं आ सकता। खाने का बिल 2,500 रुपया है, डीजल का बिल 10,200। पागल है क्या? टोटल बिल 100 करोड़ देने के लिए कहा है। ये छोटे बिल्स दिखाकर चीप डिस्कशन मत करो। डिस्कशन मत करो, कहा कहीं का। हेलो, यहाँ फॉरेन कंपनी वाले मेरे पीछे पड़े हैं। पहले उस बच्चे से उगलवाओ कि वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ है, उसके बाद उसे वहीं गाड़ दो। Don't worry, he's all right. Thank you, sir. राजन को कौन लोग उठा ले गए? कौन थे वो? हमें थोड़ा टाइम देंगे तो। एक महीने का टाइम दे रहे हैं। उस वारिस को कई तरह से ढूंढने की कोशिश की। वो राजवंशी थे, इसलिए उनकी संस्थान से जुड़े सारे रिकॉर्ड्स चेक करने पर उस वंश की तीसरी पीढ़ी के राजा राम जी यूके में बसे हुए हैं ये पता चला। फेसबुक से मैंने उनका नंबर निकाला। अरे रुक जा। मेरा राजा बेटा। हेलो, नमस्ते सर, मैं आनंदपुर से बोल रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स मिल गए नारायण राव जी। थैंक यू वेरी मच। हम तो उस प्रॉपर्टी को भूल चुके थे। हमारे दादाजी की इतनी बड़ी बात हमें खुद नहीं पता थी। उसे बताकर हमारा फर्ज हमें याद दिलाया। ये जायदाद हमारी नहीं, आपकी है। यू डोंट वरी, मैं खुद वहाँ इंडिया आकर कोर्ट में ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूंगा। थैंक यू सर। राजा राम जी ने कहा था कि मैं आ रहा हूँ, पर 4 दिन बाद भी वो इंडिया नहीं है, तो फिर मैं खुद मिलने उनसे चला गया। हॉस्पिटल में जख्मी बैठे राजा राम जी के बेटे से मिलने के बाद मुझे असली बात पता चली कि मुझसे पहले सरकार वहां पहुंच चुका था। आज के दिन में भी नीति न्याय सोचकर क्या करेंगे राजा राम जी? आई एम गिविंग यू 2,500 crores, व्हाट यू से? प्लीज गेट आउट। तुम बेकार में अपनी मौत को दावत दे रहे हो। 15,000 लोगों की जिंदगी के सामने मेरी जान की कोई कीमत नहीं। सरकार, वी आर फ्रॉम रॉयल फैमिली, राजवंशी। मेरे राज्य में प्रजा परेशानी में हो तो मैं देख नहीं सकता। That's great, your highness. Happy journey. That's wonderful sight. What do you say? Hey! Oh! To go to India with these documents. Dad! Dad!
ऐसी परिस्थिति में इंडिया जाना ठीक नहीं होगा। इस वक्त तुम्हारी परेशानी से ज्यादा तुम्हारी जान की हिफाजत चाहिए। मेरे राज्य में प्रजा परेशानी में हो तो मैं बैठ नहीं सकता। डॉक्यूमेंट्स इंडिया आते ही बच्चे की सिक्योरिटी लेने की सोचकर दिल्ली में अपने एमपी से जाकर मिले। इस बच्चे को सिक्योरिटी देना जरूरी है। हमको इस बच्चे को देखकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। इसने इतना बड़ा रिस्क ले लिया। आप एक मिनट बाहर रुकिए, हम देख लेते। बोलो एमपी। राजा राम का बेटा भी जिंदा है। ओ नारायण राव, उस लड़के को लेकर मेरे पास आया है। जस्ट आप ही की सिक्योरिटी के बारे में बता रहा। फरवरी अनंतपुर के कोर्ट में इस बच्चे को डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रोड्यूस न कर दूं तब तक किसी पर भरोसा न करूं। ये मुझे अच्छी तरह समझा दिया है। आपका धन्यवाद। तू विक्रम सरकार से पंगा ले रहा है। अरे इस गोरे छोकरे को साथ में रख के क्या कर लोगे? मेरा रंग जरूर गोरा है, but my blood is Indian. वहां से बाहर निकले तो हम पर विक्रम सरकार के लोगों ने अटैक किया। तुम अंदर चलो। बेटा तुम अंदर ही रहना, मैं आता हूँ। चलो। बच्चे को बचाने के लिए मैं उसे डाइवर्ट करके बाहर ले गया। जब तक मैं वापस आया तो ट्रेन निकल चुकी थी और बच्चा मिस हो गया। बेटा किसी भी तरह से फरवरी की 5 तारीख तक अनंतपुर पहुंचना होगा, ये मैंने और बच्चे ने सोचा था, इसलिए वो आपके घर से निकला होगा। 10 रुपीज एडवांस, 10 रुपीज। राजेश अनंतपुर का टिकट कितने का होगा? 500-600 का होगा। 72 घंटे, 2 राक्षस, 8 साल का मासूम बच्चा, 4 पेज के डॉक्यूमेंट्स, 15,000 लोगों की जिंदगी, इस पहेली को सुलझाना बहुत मुश्किल है। बेचारे उस अनाथ बच्चे को। वो बच्चा अनाथ है किसने कहा? यहाँ एक बाप है और वहां एक भाई है। तुम्हारी पहेली को सुलझाने वाला मर्द अकेला मेरा बेटा है। बालू बिना किसी स्वार्थ के लोगों के लिए युद्ध करने वाला ही सैनिक होता है। उस लिटिल सोल्जर ने युद्ध स्टार्ट किया है, अब तुम उसे कंटिन्यू करो। अपनी टैक्सी में ना जाने कितने पैसेंजरों को टाइम पर ले जाकर छोड़ते हो। चाहे जो भी हो, इस छोटे पैसेंजर को ऑन टाइम अनंतपुर लेकर जाओ। बच्चा कहाँ है? देखो बिहार से आया था ये तो पता है, उसके बाद कहाँ गया मुझे नहीं मालूम। डॉक्यूमेंट्स कहाँ है बताओ? अच्छे बच्चे हो ना, राजा बेटे हो ना, बताओ बताओ बताओ। गुड बॉय। अरे शिवा एक खिलौने को बाहर ले जा, इसे तोड़कर इस पे शायद डॉक्यूमेंट होगा। अरे भाई रे, जब हम यहाँ बात कर रहा हूँ तो तू भी इस पे भाटे में लात क्यों डालता है? वैसे लोहे के खिलौने में डॉक्यूमेंट कैसे घुसेगा? बनाते समय क्या इसमें घुस कर बनाया होगा? अरे शिवा चाहे इसके हाथ पैर तोड़ दे लेकिन हमको डॉक्यूमेंट चाहिए। जॉनी ये लड़का तो हमसे बिल्कुल नहीं डर रहा है। उस दिन जो तुम्हारे लिए आया था तू सोच रहा है कि वो आज भी आएगा? ये हमारा इलाका है, वो इतना आसानी से यहाँ नहीं आ सकता। सर मैं खींचू क्या? चुप कर, एक ही बोल्ट आधे घंटे से घुमा रहा है, वहाँ हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, हमें फ्लैट पकड़नी जल्दी कर। आप करते क्या है सर? शहनाई वादन करते हैं। ओहो बैंड वाले हैं आप, समझा। तो ना भैया। हाँ भैया। ये कौन है जो वादकों को बैंड बजाने वाला समझ रहा है? हम वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियंस हैं, पता है? जब तक मैं टायर बदल रहा हूँ थोड़ा आइटम दिखाओ ना। ओए, तेरी खुशी या मजे के लिए हम लोग नहीं बजाते हैं, हमारी शहनाई सुनने के लिए पीएम सीएम और बड़े बड़े लोग आते हैं। हमारे बिना अमेरिका में कोई खेल प्रोग्राम शुरू नहीं होता है। हमारे शो की एक टिकट भी खरीद नहीं सकते हो तुम।
ये बिल्ले क्यों टंगे पता है? तो ना भाई। हाँ भैया। ये बिल्ले नहीं उपहार है, उपहार। फ्री में नहीं सुनूंगा, 116 रुपए दूंगा। अरे बाप रे, 116 रुपए देगा? अरे ऊपर से बोनस भी ले लेना। बाप रे, बोनस भी देगा ये? और कुछ देर इसके साथ रुकेंगे तो बात बात पर शहनाई बजाने को कहेगा ये। चल किसी और से लिपट लेते हैं। हम तेरी तरह सेकंड क्लास नहीं है, हम बालकनी के हैं। तू जैसे हमारी शहनाई कभी नहीं बन सकती है। आप दोनों क्या करते हो? हम लोग शहनाई बजाते हैं। ओ, बैंड बाजा बजाते हो? सोना भैया। हाँ भैया। दुनिया में बैंड बाजे के अलावा कोई और आर्ट नहीं है क्या? और कोई बैंड बाजे वाला ही समझ रहा है हम लोगों को? यू नो वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियंस। यस। मूड ठीक नहीं है, कुछ बजा दोगे? बाप रे, टायर बदलने वाला वो और मूड बदलने वाला ये, आखिर समझ क्या रखा है? हमें सेकंड क्लास के लोग पसंद नहीं है। किसी सामान्य इंसान के लिए हमारी शहनाई नहीं बजेगी। हम उतर रहे हैं। दीजिए, मैं FM ही लगा लेता हूँ। तो AC भी थोड़ा बढ़ा दो भैया। पुलिस स्टेशन लेकर क्यों आए? हाँ। छोटा सा काम है। देखो लेट होने पर हम मिनट का 100 रुपए काट लेंगे। मैंने सोचा कि मैं फ्री में लिफ्ट दे रहा हूँ, आप लोग पैसे दे रहे हो। ओके। तो ना भैया गलती हो गई। भैया OR4BA6187 इस कार नंबर की डिटेल्स बताओगे? हम हर किसी को नहीं बताते। पैसे दूंगा तब तो बता दोगे ना? चल भागे यहाँ से। पैसे देने पर भी काम नहीं हो रहा है, आपके नाम से कुछ हो सकता है क्या? तुम्हारे जैसे लोगों के लिए हम अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। तुम परेशान हो रहे हो इसलिए एक सलाह दे रहा हूँ, किसी पहचान के पुलिस वाले को बुला लो। SI रेंज का तो चलेगा ना? सीधे SI की बात कर रहा है, जैसे डिक्की में रखा होगा। एक मिनट। अरे तुम कार ड्राइवर हो या जादूगर हो, बातों बातों में इसे फंसा लिया। इस आदमी से अब हम लोगों को बच के रहना पड़ेगा। मैडम हमारा इस किडनैपिंग में कोई हाथ नहीं है, हम वर्ल्ड फेमस संगीतकार हैं। तो ना भैया। भैया नाम जितना बड़ा होगा क्राइम भी उतना ही बड़ा होगा। अंदर रखो। आप लोग परेशान मत होइए, ये लड़की मेरे पहचान की है। पेन ड्राइव देने के बहाने किडनैप करके लेकर आया? पेन ड्राइव क्यों नहीं देते? एक बार मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हें पेन ड्राइव दे दूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस, लेकिन तुम भी फाइट या फायरिंग नहीं करोगी, ये प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। आप जल्दी काम कीजिए, हमें जाने का है। भैया। हाँ सोना भैया। मुझे लगता है हमें दूसरी गाड़ी देख लेनी चाहिए। गाड़ी रेडी है सर। कहाँ पर? आपके पीछे। ये हम कहाँ आ गए हैं? एक शव यात्रा है सर, उसमें शहनाई बजाएंगे तो 3000 मिलेंगे, 1500 आपके 1500 मेरे, ठीक है ना? सोना भैया। हाँ भैया। किसी की मौत पर शहनाई बजाने को कह रहा है, क्या करूँ? इससे अच्छा हुआ कि हम उसी के साथ चले जाए। भैया देखो रो मत, दो तुम लेना एक मुझे देना। ए भगवान। श्रीदेवी फ्रॉम हैदराबाद, मुझे इस आदमी की डिटेल चाहिए। इसका नाम बिस्वाल है, सिमलीपुर के ढाबे में मिलेगा, ये बहुत खतरनाक है। मैं देख लूंगा सर। अरे किरबिल पांडे, दो बन दे दो जरा। पैसे रहने दो, बन लेकर एक बार शहनाई बजा दो, पीने वाले एंजॉय कर लेंगे। भैया सॉरी भैया, तुम दारूबाज हो, हम संगीतकार हैं। सामान्य इंसान के लिए हमारी शहनाई नहीं बजेगी, नहीं बजेगी। बिस्वाल, 1 तारीख को दोपहर 1 बजे एक बच्चे को किडनैप करके ले गए थे, वो बच्चा कहाँ है? तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? ये मेरा एरिया है, चला जा। नहीं बताऊंगा। बता बच्चा कहाँ है? नहीं बताऊंगा। कहाँ है बच्चा? बच्चा कहाँ है?
इससे अच्छा है कि तू जवाब दे दे। बोल कहाँ है? बोल। बताता हूँ, मुझे भीकू के पास पटनायक ने भेजा था, वो दोनों एक ही गांव के हैं। बच्चा कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन पटनायक जानता है। वो पटनायक कहाँ मिलेगा? यहाँ से 20 किलोमीटर दूर घाटी गांव में। तुम मुझे बताओ, बच्चे को किसने किडनैप किया? वो सारी डिटेल्स मैं बाद में बताऊंगा। भाई जी, अंदर तुम्हारा टैलेंट देखने के बाद मुझे बहुत तेज की लग गई है। तुम्हें भी लगी है? 2 लीटर तक लगी होगी भैया। भाई जी आगे आप जाइए, हम जाकर हल्के होने के बाद आएंगे। ओके निकलो सोना भैया, इस मारामारी में तो बजा दिए लेकिन आगे किसी के लिए नहीं बजा पाएंगे। सोना भैया। हाँ भैया। ये पाइप उसने गलत जगह डाल रखा है। रहने दो भाई, उसने जहाँ रखा है उससे हमें क्या। अरे सुनो भाई, हाईवे का रास्ता बता सकते हो? डोंट डिस्टर्ब, आगे यहाँ से। भाई साहब हाईवे किधर से जाना होगा? अरे भाई साहब, तुम इस तरफ कहाँ से आ गए? हाँ क्या कहा, ढाबा पर अपने विश्वाल भाई को है? बैंड वाले भी थे क्या? ए, बैंड बाजे वाला कौन बोल रहा है? हम संगीत के उस्ताद है, वर्ल्ड फेमस है, पता है? आज तो तुम लोग गए काम से। अरे भागो, मैं हमारी शहनाई बजा देगा। रुक जा। अरे रुकिए, हम वर्ल्ड फेमस संगीतकार है। क्या हुआ, फिर से क्यों आ गए? तुमने मारा था ना उन मोटे मोटे गुंडों को, उनके भी कम फॉलोवर नहीं है भाई। इस एरिया को क्रॉस करने तक साथ ही रहेंगे। तो ना भैया। हाँ भैया। आगे कहाँ बजाना है पूछो। तुम्हारी कुंडली में मृत्यु दोष है, इस घर के परिसर में ही तुम्हारी मौत घूम रही है। इस मृत्युंजय हवन के पूर्ण होते ही मृत्यु को घर के चौखट से अंदर नहीं आने देगी। हवन पे आए हो? मरण हवन पर आए हैं। नमस्ते पटनायक जी, मेरा नाम बालू है, फ्रॉम हैदराबाद। 1 तारीख को दोपहर 1 बजे भीकू नाम के तुम्हारे फ्रेंड ने एक बच्चे को किडनैप किया था, वो बच्चा कहाँ है? अबे हट, तुमने हमें इंक्वायरी काउंटर समझ रखा है का? अरे देखते नहीं, शांति के लिए इतना बड़ा हवन हो रहा है, तुमको बच्चा की लगी है? वैसे वो बच्चा कहाँ है हम जानता हूँ, लेकिन बताऊंगा नहीं, हम तब बोलेंगे ही नहीं। चल हट यहाँ से। करो। ए पटनायक, ये बच्चा तो कुछ नहीं बता रहा है, तुम्हारी नजर में कोई दिमाग का डॉक्टर है तो भेजो। इस मृत्यु को डाइवर्ट करो यजमान। हमरा पास एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, अब आइए भेजता हूँ। वहाँ तो सब ठीक है। ए रामू, क्या हुआ? साहब, अपने किसान लड़की की शादी रखी है ना, अपनी जमीन छीन ना जाए इसलिए फांसी लगाने की कोशिश की। छोड़ दो। पागल हो गए क्या किशोर? बेकार में बचा लिया, अच्छा डिसीजन लिया भाई। 2 दिनों के बाद तुम सारे लोगों की यही हालत होगी। नारायण राव, वो बच्चा और डॉक्यूमेंट्स मिल गए क्या? कहाँ हैं? अरे जान दोगे तो गवर्नमेंट मुआवजा देगी, लेकिन जिंदा रहोगे तो आंसू और भूख। फैसला खुद कर लो। मैं आप सभी के हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा काम मत कीजिए। इतने दिन तो रुके थे, बस 2 दिन और सब्र कर लीजिए। वारिस को लेने के लिए मेरा बेटा गया हुआ है और पक्का बताए समय पर डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ आएगा। डर दुख देता है
और भरोसा बल देता है। मेरा बेटा सुप्रीम खिलाड़ी है। कोशिश तो कर रहा हूं सर, वो कहा है ना। पटनायक जी ने भेजा है, दिमाग का डॉक्टर सैफ अली खान, डॉक्टर करीना, डॉक्टर बप्पी, डॉक्टर लहरी। एक ऐसा डॉक्टर है, म्यूजिक थेरेपिस्ट है। ये कपड़ा क्यों लगाया? सीधे सर्जरी से चले आ रहे हैं। साइकियाट्रिक भी ऑपरेशन करते हैं का? डॉक्टर्स में एक बात समझ गया कि यही बॉस है इसकी। सर आप डॉक्टर से लॉजिक की बात करोगे तो हर्ट होता है। रुको, ते में टांग का हेड डालता है, कोई नया दिख जाए बस चौधरी बन जाता है, गधा कहीं का। डॉक्टर आप बच्चा से, आप पहले बच्चे को बुलाइए। बच्चे से मुझे अकेले में बात करनी है। ओके डॉक्टर, चल। ने जो मांगा था वो दे देना था। हे राजन, जो भी हो डॉक्टर डॉक्टर होता है, इसको देख के आंख में हंसू आ गया। 10 मिनट बाद देखना, कुछ और ही आएगा। क्या? कुछ नहीं। बच्चे को किसी ने मारा था क्या? बहुत पूछा, इसने कुछ नहीं बताया, इसलिए मेरे आदमियों ने मारा। ओके, ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ओके डॉक्टर। बच्चे को किस किस ने मारा था हाथ उठाओ। चिल्ड्रन साइकोलॉजी के हिसाब से छोटे बच्चों के साथ खेलो तो हम जो मांगते हैं वो दे देते हैं। खेलते ही दे देते हैं क्या? डॉक्टर्स लेट्स शो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। डॉक्यूमेंट्स कहाँ है पता है? पता है ना? कहाँ है बोलो बोलो। हमरा को पता है ना? डॉक्टर्स बॉस को पता है, लेट्स गो। डॉक्टर कोई भी मिल जाए कटे में टांग डालता है। हाँ तो बता बेटा। बच्चा उदास हो गया, एक और गेम खेलना होगा। कोई भी गेम होने दो, मैं खेलूंगा। आओ खेले आंख मिचोली सारे, जाकर छुप जाओ। अभी उम्र में काई छुपा छुपी। बच्चे से सच बोलवाना है, करना छोड़ दे, सब ईमानदारी से खेलेंगे। आपके साथ खेलने का तो मैं कई दिन से कोशिश कर रहा हूँ, आज हमको मौका मिल गया है। जब तक मैं 10 बोलू सारे लोग छुप जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। जॉनी, हे शिवा, जॉनी मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। कोई है? केशव, जानी, अरे इतनी जोर से क्यों मार रहे हो तुम लोग? से खेलने को कहा तो कमीर इतने जोर से मार रहे हैं। माही रे माही, एक घंटा घबरू जाओ। बच्चे को लेकर यहाँ से जा रहा है। ए, हमनी के पकड़ने के लिए बहाना बना रहा है, इसकी बात अनसुनी कर दो, सब लोग छुप जाओ। जाओ जानी, शिवा सब आ जाओ। अरे अब तो खेल खत्म हो गया, आप क्यों मार रहे हो उल्लू के पट्टो?
बापरे। ये लो तुम्हारी पेन ड्राइव, यहाँ से जर्नी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है इसलिए तुम वापस जाओ। बच्चों को उन्होंने किडनैप क्यों किया, आखिर बात क्या थी? कोई परेशानी में हो तो दया दिखाते हैं या पैसे देते हैं, लेकिन जान नहीं देते। लोगों के लिए इसके माँ बाप ने अपनी जान दी और अब ये अपनी जान खतरे में डाल के मदद कर रहा है। ओके, अब तुम लोग जा सकते हो, यहाँ से राइड लेकर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन मेरी बात तो सुन लो। दिल के लिए अच्छी एक्सरसाइज क्या है पता है? 10 किलोमीटर चलकर जाना नहीं, 10 लोगों की सहायता करना। बाप रे श्रीदेवी, हमेशा मेडल जीतना बोलती थी तो मैं तुम्हें पागल समझता था, लेकिन तुम में भी अकल है। भाई तुम्हारे इमोशंस देखकर हम भी कनेक्ट हो गए हैं, उस बच्चे के साथ हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। पैसों के लिए तो बहुत शहनाई बजाई है, इस अच्छे काम पर उस बच्चे के लिए सबके सामने शहनाई बजाएंगे। तो ना भैया। हाँ भैया। आई लव यू राजा। मी टू राजा। मेरा राजा बेटा हमेशा खुश रहे। क्या हुआ छोटे भाई? ये छोटा सा है जीवन, इसको हंस के जीना, तो लेकर नाम हनुमान का शुरू काम करना। तू ये छोटा सा है जीवन, इसको हंस के जीना, तू लेकर नाम हनुमान का शुरू काम करना। तू दिल छोटा ना करना, तू ना गम से घबराना, तू है साथ तेरे बजरंगी, ना चिंता कभी करना, तू ना भूल ना हनुमान को सदा याद रखना। तू अंजनी पुत्र को जपना, तू मारुति नाम रखना, तू गुण हनुमान के गाना, तू पवन पुत्र को पूजना, तू अंजनी पुत्र को जपना, तू मारुति नाम रखना, तू गुण हनुमान के गाना, तू पवन पुत्र को पूजना। तू जो भी है आरजू मांग ले मन से, तू दिल में है जो भी तेरे आज वो कह दे। तू मन में है जो भी तेरे कहना है तुमसे, वो चाह जिसे पूजा जिसे पाना है आज मुझे वो। सारा जग ये माने तुझे देव दुख हरता, तू मुश्किलों से अपने भक्तों को निकाले। तू दूर कभी ना जाना, तू पास सदा रहना। तू ये दर है फिर हनुमान का, यहाँ शीश झुकाना। तू अंजनी पुत्र को जपना, तू मारुति नाम रखना, तू गुण हनुमान के गाना, तू पवन पुत्र को पूजना। तू Oh, 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 oh
दर्शन तेरा, धन्य जीवन ये हुआ, स्वामी जग के नमन तेरा ही धर्म है अब मेरा। हनुमत है सबका दाता, ना छोड़े वो साथ हमारा, जय हनुमान की बोल के शक्ति तू पाएगा। अंजन पुत्र को जपना तू, मारुति नाम रखना तू, गुण हनुमान के गाना तू, पवन पुत्र को पूजना तू। अंजन पुत्र को जपना तू, मारुति नाम रखना तू, गुण हनुमान के गाना तू, पवन पुत्र को पूजना तू। एगो छोटा बच्चा को कोई गाड़ी भी ले गया देखा है का? नहीं देखा, नहीं देखा। कोई छूट ना जाए सबका हाथ रखकर ठीक से चेक करो, सब ठीक से खेले थे, लेकिन कोई एक बदले की भावना से खेला था, गुस्से में खेला था। वो कौन है मुझे जानना है। जॉनी इधर आ। हाँ जा रहा हूँ। जल्दी से पीठ पर हाथ रख, सुना नहीं तूने? भैया अभी हमको बच्चा जरूरी है, करोड़ों का माल मिलेगा। करोड़ों से ज्यादा हाथ चेक करना जरूरी है समझा? अरे इसकी तो। हेलो वीकू, बच्चे ने कुछ बताया? वो बच्चा तो सेफ है ना? हाँ सेफ ही समझो। सेफ है या नहीं? सेफ नहीं। व्हाट? एक आया था हम सबके साथ आग बिचौली खेला, बच्चे को उठा कर ले गया। इट्स अ नाइस गेम। खेल कर ले जाना क्या होता है यू फूल, गेट द ब्लडी किड यू पागल। आप चिंता मत कीजिए, वो हमारे एरिया से बाहर नहीं जा सकता।
के लिए इतना बड़ा रिस्क, यानी डॉक्यूमेंट्स खिलौना में। गाड़ी चलाओ जल्दी जल्दी जल्दी। एक बच्चा देखा आपने? नहीं देखा। गाड़ी धीरे चलाओ, उसको आगे जाने दे। हमारी तरफ ही लेकर आ रहा है। पीछे करो, पीछे करो। हाथ पैर सब हिलाया था लेकिन सिर नहीं हिलाया था। ए, बच्चा सेफ है। तू कौन है मैं नहीं जानता, कैसा दिखता है ये भी नहीं पता। रॉन्ग रूट से चल रहा है, संभल के चलना वरना तोड़ के रख दूंगा। ए, कौन बोल रहा है तू? और बता तुझे कितना चाहिए? अबे जब 8 साल का बच्चा लोगों के बारे में सोच रहा है तो तू तो 40-45 का होगा। दलाल की तरह भाव क्यों कर रहा है? ए, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। होल्ड ऑन, डोंट साउंड हॉर्न। मैं एक्सीलेटर पर पैर रखता हूं तो यमराज भी नहीं पकड़ सकता मुझे। घंटे, मिनट्स, सेकंड्स, टाइम काउंट कर ले। बच्चे के साथ ऑन टाइम अनंतपुर में एंट्री लूंगा मैं। जिस दिन तुझसे मिलूंगा वो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, याद रखना। ए भेको, मेरे पीछे मत आना, यहीं रुक जा। क्या है, कुछ भी हो, लगता है आपका भागने का टाइम आ गया। जरा हाथ तो उठा। सुना भैया? हाँ भैया। ये कैसे एम्बुलेंस से देखो, ये अस्पताल भी अजीब लग रहा है भैया। ससुर जी, दामाद जी, ससुर जी, दामाद जी, ससुर जी, दामाद जी, ससुर जी, दामाद जी। मशीन प्रॉब्लम खराब है। ए, मल्टीपल पेशेंट, कहाँ जा रहे हो? आपका ये हॉस्पिटल देखकर हम डर गए हैं। अच्छा, 50 किलोमीटर सराउंडिंग में नो हॉस्पिटल, नो ऑप्शन। किसे क्या हुआ है? बस हल्की फुल्की चोट लगी है। ओ, फर्स्ट एड से काम चल जाएगा। फर्स्ट एड करने पे 50,000 होगा? अबे गधे, फर्स्ट एड मतलब ऑपरेशन नहीं, थोड़ा डिटॉल लगाकर रुई से साफ कर देते हैं, काम चल जाएगा। ओ, लोअर पेशेंट, ये आईसीयू। ये आईसीयू में चमगादड़ कहाँ से आया डॉक्टर? फालतू, आप कोई अच्छी जगह ढूंढकर फर्स्ट एड करवा लीजिए। ए, 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 ए,
है क्या? डॉक्टर ये क्या है? एक्सरे। एक्सरे में तो हड्डियां दिखती हैं। लड़की कहाँ से आई? इलियाना बर्फी। ओ सॉरी सर। डॉक्टर कंपाउंडर को बोलो कि काम पर ध्यान दे, ऐसे किसी की भी फोटो ना डाले, एक और दे देगा। आ जाओ। राजन, राजन, राजन। राजन क्या है वो? Today is my father's birthday. Happy birthday to you. Dad, a small gift. Wow, it's beautiful. Dad is my best friend. Thank you. लेकिन इस बार डैड मेरे साथ नहीं है। हर बर्थडे पर डैड मेरे साथ रहते थे। बालू इज माय बेस्ट फ्रेंड। यहाँ से बच्चे को 4 घंटे पहले ले गया है। एवरेज स्पीड 120 भी मेंटेन करें तो अब तक आंध्रा बॉर्डर में एंटर कर चुका होगा वो। सर, हमने एपी बॉर्डर पर नाकाबंदी कर दी है। वहाँ पहुँचने वाली हर टैक्सी को चेक करना। 8 साल का बच्चा जिस भी गाड़ी में हो उसे छोड़ना मत। ओके सर। यूज द ब्रेन, यूज द गन। Catch the damn child. पीछे आने वाली उस कार को भी चेक करो। सर उस लड़के का फोटो। वेरी गुड, तुम जाओ उधर। एक 7-8 साल का बच्चा है, जिस भी टैक्सी में हो छोड़ना मत। वो वाइट टैक्सी चेक करो। It's amazing. Zing zing. Hey, taxi bro. Tom Cruise? कौन है आप लोग? I'm a driver. I'm a cleaner. कपड़ों से तो तुम लोग नहीं लगते हो। We are owners. और ये लोग कौन है? They are also owners. एक कार के 4-4 ओनर्स। एक स्टेट में जब बहुत सारी पुलिस हो सकती है तो एक कार के 4 ओनर्स क्यों नहीं हो सकते? You are amazing. Zing zing. Move the car. जाओ जाओ। जाने दो सबको। सर सर, उस गाड़ी में एक बच्चा है सर। ए, रुको उसे। स्टॉप, रुक, स्टॉप। राजन डाउन। वो पीछे लड़का कौन है? लड़का? मुझे लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमारी तो लड़की है, बोलो ना। ठीक है, लड़की को ही दिखाओ। स्वीटी, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? अनुष्का। अनुष्का? सर, मैं अनुष्का का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। अनुष्का नाम है तो कार को जाने दीजिए सर। ठीक है, जाइए आप लोग। बाय अनुष्का। ए, उसे आगे भेज। माय डियर फैंस। थैंक्स। यू वेलकम। ऑल कॉप्स गिव दैट। इट्स अमेजिंग। सर, वो कार चोर हमारी कार ले गए। इट्स अमेजिंग। जिंग जिंग। ऑफिसर का फोन आया था, उसके पास से ही बच्चा बचकर निकल गया। अब सिर्फ बचे हैं 8 घंटे। कोर्ट के दिए मोहलत में 8 घंटे ही बचे हैं सर। तुम भी थोड़ी देर रेस्ट कर लो ना।
अगले 8 घंटे तक मेरी आंखें बंद नहीं होंगी। बच्चे को तो कुछ नहीं होगा ना? भले ही मुझे अपनी जान की बाजी लगानी पड़े, लेकिन राजन को आनंदपुर ले ही जाऊंगा। मेरे बाद मेरे लिए दुखी होने वाले मेरे पापा के अलावा और कोई नहीं है। अगर सच में मुझे कुछ हो जाए तो वही मेरे पापा का बेटा बनेगा। तुम्हारे लिए दुखी होने के लिए तुम्हारे पापा के अलावा कोई और भी है। जीना नहीं बाप तुझे अब खोना नहीं, तुमसे ही जिंदगी बंदगी आशिकी हो। तू है जमीन तेरे सिवा ना जाऊं कहीं, तुमसे ही जिंदगी बंदगी आशिकी हो। जानम जाने मन तेरे हो गए हम, हमदम ओ सनम तुझ में खो गए हम। अब चैन नहीं, तुमसे ही जिंदगी बंदगी आशिकी है। जानम जाने मन तेरे हो गए हम, हमदम ओ सनम तुझ में खो गए हम। जागृति ट्रस्ट के बारे में फैसला लिया जाएगा। कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि जागृति ट्रस्ट जनता का होगा या विक्रम सरकार का। सिर्फ 1 घंटे का इंतजार।
एक्सीडेंट हुआ है। मैं पूछ कर आता हूँ कोई दूसरा रास्ता है भी या नहीं। भाई यहाँ प्लीज भाई छोड़ दो भाई, उस बच्चे को छोड़ दो भाई प्लीज। स्टील बॉडी सिर्फ एक ही की होती है। कौन? हनुमान। ओ देखिए जॉनी, इसकी तो पूरी टीम है इसके साथ। मैंने क्या पाप किया था, मुझे ही क्यों? इस बच्चे ने मेरी बेटी की जान बचाई, भले ही हमारी जान चली जाए लेकिन इस बच्चे को बचा कर रहेंगे। पकड़ो साले को। ऐसा नहीं लग रहा बच्चे के आसपास पूरी बानर से लग। बच्चे को पकड़ के लाओ।
नारायण जी, आपने कहा था बच्चा डॉक्यूमेंट्स के साथ आ रहा है, टाइम हो चुका है, वो आएगा या नहीं? सर प्लीज थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। एक बात हुई ना। मेरे शरीर में जब तक जान है तब तक बच्चे को कोई छू भी नहीं सकता। मार डाले कराके। वेट करने से फायदा नहीं है, वो बच्चा अब नहीं आएगा। जजमेंट दे दीजिए सर। सर बच्चा आ गया है। बच्चा इतना बड़ा रिस्क लेकर यहां तक आया है, इसे अप्रिशिएट तो करने दो। वेल माय लिटिल बॉय, तुम्हारे पापा के साथ तुम्हें भी मुझे मार देना चाहिए था। तू यहां आ तो गया है, लेकिन तुझे यहां तक भेजने वाले का क्या होगा? अगर इसे जिंदा देखना है तो यहां क्या बोलना है भूल जा। अब मुझे तुझसे डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, तेरी परफॉर्मेंस चाहिए। यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, गो। डर होकर सच बोलो, इन पर इल्जाम है कि तुम्हारे मम्मी पापा को इन्होंने मारा है, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सभी को मेरा नमस्कार, मेरे दादाजी राघव राज जी, मेरे पापा राजा राम जी। आप सब जैसा सोच रहे हैं, मेरे पापा को किसी ने नहीं मारा था, एक्सीडेंट में मारे गए थे। हमारे फैमिली के साथ कोई लेना देना नहीं। मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर, नारायण राव जी आपके पास और कोई सबूत है तो बताइए। यहाँ कोई गेम शो चल रहा है जो इतने लाइफ लाइन दे रहे हो? मुझे बहुत सारे काम है, जजमेंट सुनाइए सर।
में प्रजा दुखी हो तो हम ऐसे देख सकते हैं क्या? Please check the paper, sir. These are the real documents, sir. Please check the paper, sir. Help the people, sir. ये trust हमारा है, sir. Please, sir. Please help the people, sir. इस आदमी को अरेस्ट कर लो। राम जी का लक्ष्य बड़ा था या हनुमान जी की सहायता बड़ी थी पूछोगे तो राम जी का लक्ष्य बड़ा था यही मैं कहूंगा। इस बच्चे से मिले मुझे 10 दिन हो रहे हैं। इन 10 दिनों में इस बच्चे ने एक बाप को उसकी बेटी दी है, एक बेटे को उसका पिता दिया है, 15,000 लोगों को फिर से नया जीवन दिया है। मेरे पापा ने मुझसे एक बात कही थी, बिना किसी स्वार्थ के लोगों के लिए युद्ध करने वाला एक सैनिक होता है, ही इज द रियल सोल्जर। राजन, जागृति ट्रस्ट और इससे जुड़ी सारी जमीन जनता को दी जाए, ये न्यायालय का आदेश है। बच कैसे गया तू? अब तो मर गया ना, अब क्यों घुसड़ रहा हूं? फिर फटे में तूने ठान डाली, इतनी आसानी से इसे मरने नहीं दूंगा, तुझे उठना ही होगा, उठना ही होगा। जहां दर्द हो रहा था वहां अच्छे से मसाज कर दी, थैंक्स। अब मैं जाऊं क्या? कैसे, आनंदपुर जाने के लिए यहाँ से एक भी गाड़ी नहीं है, उड़ के जाएगा क्या? स्पोर्ट्स कार में जाऊंगा। अरे भीकू भाई, पंडित तू यहाँ कैसे चलाया? मैंने कहा था ना, जिस दिन मैं तुझसे मिलूंगा वो तेरा आखिरी दिन होगा। तुमने तो सही निशाना लगाया। This is my अब तो नौकरी पे रख लो ना, महीने का ज्यादा नहीं सिर्फ 15,000 दे देना, उसी से काम चल जाएगा मेरा। तुझे अपने पास रख के दुनिया की सबसे बड़ी भूल की है, सबसे बड़ी भूल की है। मायरे, हे भगवान, जानी अब तू भी। अब बस करो ये मसाज फाइट, शादी हो रही है ना। अबे तुम लोग बजाने के लिए आए हो या मुंह दिखाने के लिए आए हो? बजाओ। सोना भैया, हमारी जिंदगी बर्बाद। अबे बजाएगा कि नहीं? सुनो, इस बार तुम्हारी कार सेफ रखने की जिम्मेदारी मेरी। पार्किंग सर, आपकी आवाज कहीं सुनी हुई लग रही है। टाइम टू मुहूर्त। ओके डार्लिंग, तुम चिंता मत करो। अमेजिंग जिंग जिंग अगेन। सर दो दो चम्मच फिर। सर रुकिए। वैलेट पार्किंग सर, इस सुप्रीम की कहानी हमने लिखी है, तुम हमारी कार चुराओगे क्या? You are amazing. जिंग जिंग। वैलेट पार्किंग सर, मैं डायरेक्टर हूँ यार। हे, इन्होंने तो अच्छा कैरेक्टर दिया। You are amazing. जिंग जिंग। हे, ये तो हमारी नकल कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। हाय अंकल। थैंक यू। कॉफी। गिफ्ट दिल का भाव क्यों खाए, बेबी रख माइंड कूल, इतना ताव क्यों खाए। अरे दादा गिफ्ट दिल का भाव क्यों खाए, बेबी रख माइंड कूल, इतना ताव क्यों खाए। ए कर ले तू सेटिंग दिलों की मीटिंग, कनेक्शन लाइफ का मुझसे जोड़ ले, लव की ये फीलिंग कर ले तू डार्लिंग, छुटा है गुस्सा तेरा अब तू छोड़ दे। ओ मेरी श्रीदेवी, दिल दे दे श्रीदेवी, कर प्यार श्रीदेवी, आंख चार श्रीदेवी, हाँ कर दे श्रीदेवी, मेरी बन जा श्रीदेवी, श्रीदेवी।
कर ले एक्सेप्ट हार्ट मेरा, रिक्वेस्ट मेरी ये तुम मान लो, पहला प्यार ड्रॉप न कर तू, मैं हूँ आशिक सच्चा तेरा। सुनिए ये कोरा कोरा रंग तेरा भा गया मुझको, पागल कर मुझको अदाएं तेरी, मैं हो गया हूँ तेरा क्या तुझको खबर है, मान भी जा क्यों नखरे दिखाए, तू ही मेरी चॉइस है, तू ही मेरी वॉइस है, तेरी अदा पे मैं तो मर गया रे, तू ही मेरा आज हो, तू ही मेरा कल हो, चार दिशाओं में बस तू ही हो। ओ मेरी श्रीदेवी, दिल दे दे श्रीदेवी, कर प्यार श्रीदेवी, आंख चार श्रीदेवी, हाँ कर दे श्रीदेवी, मेरी बन जा श्रीदेवी, श्रीदेवी। देखना ऐसे मुझे गुस्से से, आंखें तेरी लॉकअप जैसी, दिल बेचारा कैद हुआ रे। सुनिए ये